नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं होम्योपैथी की एक बहुत ही खास दवा के बारे में। और ये जो दवा है वो खास इसलिए है क्योंकि वायरल फीवर के ज़्यादातर केसेस में इस दवा का यूज़ किया जाता है और लगभग सभी केसेस इस दवा के उपयोग से ठीक हो जाते हैं यदि इसका जो खास सिम्टम है वो उस बीमारी की अवस्था में मैच कर जाता है तो। और उस मेडिसिन का नाम है दोस्तों यूपेटोरियम परफोलियाटम। ये मेरे पास यूपेटोरियम है, आप देख सकते हैं ये 30 पोटेंसी में है और इसको 30 पोटेंसी में ही ज्यादातर यूज किया जाता है। हालांकि कई लोग 200 में भी यूज करते हैं और 200 में यूज तब किया जाता है जबकि जो पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं वो डॉक्टर को लगता है कि 200 पोटेंसी देना ज़्यादा सूट करेगी। वैसे जनरल मेडिसिन के रूप में इसको 30 पोटेंसी में ही यूज़ किया जाता है और ये यूपेटोरियम परफोलियाटम इसका पूरा नाम होता है। तो आज मैं इसी मेडिसिन के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ कि ये जो मेडिसिन होती है वो किस कंडीशन में हम वायरल फीवर में यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं और दूसरी मेडिसिन से हम इसको किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में वायरल फीवर के लिए भी ऑलरेडी बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। तो उन मेडिसिन का यूज हमें कब करना है और इसका यूज हमें कब करना है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यूपेटोरियम परफोलियाटम का जो सबसे खास सिम्टम होता है वो होता है इसका हड्डियों को तोड़ने जैसा लगने वाला दर्द। यानी कि जब भी किसी पेशेंट को वायरल फीवर की अवस्था में या बुखार की किसी भी अवस्था में ऐसा लगे कि उसके शरीर में जो दर्द हो रहा है वो इतना ज़्यादा खतरनाक है, इतना ज़्यादा सीवियर है कि उसको हड्डियाँ टूट रही हैं, ऐसी फीलिंग आने लगे जैसे कोई हड्डियों को बहुत तेज़ी से तोड़ रहा है, तब उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। अब ये जो सिम्टम है ये एक ऐसा सिम्टम है जो उसकी किसी भी बीमारी के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। मान लीजिए कि उस व्यक्ति को वायरल फीवर नहीं है, उस व्यक्ति को रूमेटिक आर्थराइटिस की शिकायत है और रूमेटिक आर्थराइटिस का वो केस ऐसा है जिसमें कि उसको ऐसा लगता है कि उसको हड्डियों के टूटने जैसा दर्द हो रहा है, तब रूमेटिक आर्थराइटिस को ठीक करने के लिए यूपेटोरियम परफोलियाटम का यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों हड्डियों के इस टूटने वाले दर्द के इतने ज्यादा स्पेसिफिक होने के कारण ही इस मेडिसिन को बोन सेट भी कहा जाता है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वायरल फीवर के ज्यादातर केसेस या फिर जैसे मलेरिया है, डेंगू है, इन्फ्लुएंजा है, इस तरह की ज्यादा बीमारियों में जबकि पेशेंट के पूरे हाथों में, पैरों में, उसकी हड्डियों में ऐसा लग रहा हो कि हड्डियां बिल्कुल चूर चूर हो गई हो, तब उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज किया जाना चाहिए और यही इसका सबसे खास और सबसे ज्यादा स्पेसिफिक सिम्टम होता है। यदि ये सिम्टम नहीं मिल रहा है तो यूपेटोरियम कुछ भी काम नहीं करने वाली है। अब कुछ लोग जो है वो डेंगू बुखार की इसको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मेडिसिन बता देते हैं, तो डेंगू के बुखार में ये तभी काम करेगी जबकि पेशेंट के सिम्टम इस मेडिसिन से मैच हो रहे होंगे और खास जो सिम्टम है वो होगा कि उस पेशेंट को हड्डियों के टूटने जैसा दर्द महसूस हो रहा होगा। यदि हम इसके मेंटल सिम्टम्स की बात करते हैं तो ये देखा जाता है कि इस बीमारी में सभी लोग जिन लोगों को भी वायरल फीवर की शिकायत होती है उन लोगों का नेचर देखने में आता है कि वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं। तो यूपेटोरियम के केसेस में भी यही देखा जाता है कि इसका जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस हो जाता है, उसको मोशन करने से एग्रवेशन होता है, मोशन इन द सेंस कि चलने फिरने से, तो चलना फिरना यदि वो हाथ पैरों को हिलाता है तो बहुत ही ज्यादा उसको तकलीफ होती है लेकिन उसके बाद भी उससे बैठते नहीं बनता है, उसको ऐसा लगता है कि वो चले लेकिन चलने से उसका दर्द जो है वो बढ़ जाता है, रेस्टलेसनेस की बहुत ज्यादा अवस्था होती है। इसके साथ ही यदि देखा जाए तो इसको ठंडा पानी, ठंडी चीजें पीने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, कोल्ड ड्रिंक्स पीने की इच्छा होती है वायरल फीवर की कंडीशन में भी। तो यदि कोई ऐसा सिम्टम आपको दिख रहा है तो उस कंडीशन में भी यूपेटोरियम का यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका एक बहुत खास सिम्टम होता है इसका सिर दर्द, क्योंकि पूरी बॉडी में ही उसको दर्द हो रहा है तो उसको सिर में भी बहुत ज्यादा भयानक दर्द होता है और वो जो दर्द होता है वो ऑक्सीपट में होता है, यानी कि सिर के इस हिस्से में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, ऑक्सीपट में बहुत ज्यादा दर्द होता है और उस समय जब वो लेटता है तब तो वो जो दर्द है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। उसको अपने दोनों हाथों से इस तरह से उसको सिर को उसको
हेल्ड करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, तब उसको थोड़ा सा दर्द में रिलीफ मिलता है। तो ये एक बहुत ही खास सिम्टम यूपेटोरियम में देखा जाता है। यदि हम इसकी आंखों की बात करें तो आंखों में और आई बॉल्स में बहुत ही ज्यादा पेन होने की, सोरनेस होने की शिकायत होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। यदि हम इसके स्टमक की बात करते हैं तो इसका एक बहुत खास सिम्टम है कि ये जो पेशेंट होता है उसे लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल्ड वाटर की डिजायर होती है, मतलब उसे इतनी ज्यादा प्यास लगती है कि वो एक बार में दो दो तीन तीन ग्लास पानी पीना चाहता है और ठंडा पानी पीना चाहता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि इसको कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड वाटर की डिजायर होती है, तो फीवर की स्टेज में भी उसको ऐसा ही लगता है कि उसको दो तीन गिलास एकदम चिल्ड वाटर, ठंडा पानी उसको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे ही वो पानी पीता है इसको तुरंत वोमिटिंग हो जाती है और वोमिटिंग के साथ साथ बाइल भी निकलता है, यानी कि जो पित्त होता है पित्त की उल्टी भी इसको होती है। तो ये स्टमक का भी एक बहुत खास सिम्टम होता है। अब जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वायरल फीवर की ये एक बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन है, तो फीवर के जो सिम्टम्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक सिम्टम मैं आपको बता चुका हूं कि हड्डियों के टूटने जैसा, हड्डियों के चूर चूर हो जाने जैसा इसको दर्द होता है पेशेंट को। इसका जो खास सिम्टम है कि इसको ठंड लगने की शुरुआत जो होती है वो सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच बहुत ज्यादा होती है, और इसके साथ ही पसीने से इसके सारे सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। जैसे ही इसको पसीना आएगा इसके सारे सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे, केवल एक सिम्टम को छोड़ के, और वो सिम्टम होता है इसका सिर दर्द। यानी कि जब भी इस पेशेंट को बुखार की अवस्था में जब पसीना आता है तो उसका बुखार उतरने लगेगा, हड्डियों का दर्द कम हो जाएगा, सभी सिम्टम्स में रिलीफ मिलेगा, लेकिन उसके सिर दर्द में इसको बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिलेगा। इसके अलावा बुखार की अवस्था में इसको सिर दर्द के साथ साथ बाइल की यानी कि पित्त की उल्टी भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। डायनिया का जो पेशेंट होता है वो बिल्कुल पड़े रहना चाहता है, उसको रेस्ट करने से बहुत ज्यादा आराम मिलता है, लेकिन जो यूपेटोरियम का पेशेंट होता है वो अंदर से इतना ज्यादा रेस्टलेस होता है कि ना तो उससे चलते फिरते बनता है, और जैसे ही वो चलना फिरना शुरू करता है तो उसका दर्द बढ़ जाता है। ब्राइनिया में पेशेंट को बहुत ही ज्यादा पसीना आता है, मतलब एक्सेसिव स्वाइटिंग होती है। यूपेटोरियम में पेशेंट को मामूली सा पसीना आता है, उस मामूली से पसीने के आने के बाद उसके बाकी के सिम्टम तो ठीक हो जाते हैं लेकिन सिरदर्द उसका ठीक नहीं होता। यूपेटोरियम का यूज मलेरिया के केसेस में भी किया जाता है, और उस समय इसको चाइना, ऑफिसनेलिस, नेट्रम यूरियाटिकम, इन सारी मेडिसिन से डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। और ये देखा जाता है कि इसका जो सबसे खास सिम्टम है यानी कि हड्डियों के टूटने के जैसा दर्द होना, हड्डियों के जैसे चूर चूर हो जाने जैसा दर्द होता है, तभी इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, अन्यथा इस मेडिसिन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा यदि हम पोटेंसी की बात करें तो जैसा कि शुरुआत में ही मैं आपको बता चुका हूं कि 30 पोटेंसी का ही ज्यादातर यूज किया जाता है, और यदि इससे सिम्टम मैच होते हैं तो इसकी 30 पोटेंसी को दो दो बूंद दिन में 4 बार पेशेंट को सीधे जीभ पे भी रख के दिया जा सकता है, या 1 चम्मच पानी में मिला के भी दिया जा सकता है। 2 से 3 दिन में इसके जो सिम्टम्स होते हैं इसके यूज करने से बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।